दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की ओपनिंग में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों आपको पता ही है कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर काफी कमजोर है। लैंड के खिलाफ वार्म अप मैच में भी पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका। इसलिए पाकिस्तान की टीम अपना मिडिल ऑर्डर मजबूत करना चाहेगी। इसीलिए दोस्तों पाकिस्तान की बैटिंग में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। दोस्तों आपको पता ही है कि पाकिस्तान का पहला मुकाबला 23 अक्टूबर को भारत के साथ खेला जाएगा और पाकिस्तान इस मुकाबले को जीतने की पूरी कोशिश करेगी। इसलिए पाकिस्तान की बैटिंग में काफी बदलाव भी हो सकता है। हाँ दोस्तों, कैसा बदलाव होगा पाकिस्तान की बैटिंग में बताएंगे इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हो कि पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा दे तो वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 23 अक्टूबर को हमें भारत के खिलाफ मोहम्मद रिजवान और फखर जमान हमें ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाबर आजम हमें वन डाउन खेलते हुए नजर आएंगे। इससे पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर काफी मजबूत भी होगा। दोस्तों जो पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, शोएब अख्तर, मोहम्मद वसीम, वो सब यही कह रहे हैं कि फखर जमान से ओपनिंग कराई जाए। इसके बाद दोस्तों मोहम्मद नवाज और शादाब खान को भी नीचे बैटिंग कराई जा सकती है, क्योंकि मोहम्मद नवाज और शादाब खान भी अच्छी फॉर्म में हैं। तो आपकी राय क्या है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप ऐसी होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। 23 अक्टूबर को कौन सी टीम मैच जीतेगी ये भी कमेंट सेक्शन में बोलिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।